सांसद अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर मुझे परिवार और पंथ में से कुछ चुनना होगा तो मैं पंथ को चुनूंगा। इसी के साथ ही अमृतपाल ने यह भी लिखा है कि खालसा राज्य का सपना देखना पाप नहीं बल्कि गर्व की बात है। सांसद ने खुद को अपनी मां के बयान से भी अलग कर लिया। अमृतपाल की मां ने कहा था कि उनके बेटे को अब खालिस्तानी समर्थक नहीं कहा जाना चाहिए। साथ ही उनकी मां ने शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत की। देखो ये तो सरकार दा या पता नहीं की या क्यों इतना डरे हुए अभी जिदा लोका नु जे NSA लाई आ ते जे तो लोका ने एडा वड्डा फतवा दित्ता वा 4.5 लाख लोका ने वोट पाके जवाया जे लोका नु कोई खतरा नहीं सरकारा नु इतना कादा डर पिया वा जे ओदी ਸੌ ਚੁੱਕਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਏਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। इसके बाद अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी मां के बयान से खुद को अलग कर लिया। ये पूरा पोस्ट उन्होंने पंजाबी में लिखा जिसका अनुवाद करके हम आपको सुनाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अमृतपाल ने पोस्ट कर लिखा, बिना राज्य के कोई धर्म नहीं, धर्म के बिना सभी बुरे हैं। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। इसके बाद अमृतपाल लिखते हैं, कल माँ के बयान के बारे में जब मुझे आज पता चला तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। बेशक मुझे यकीन है कि ये बयान माताजी द्वारा अनजाने में दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा बयान मेरे परिवार या मेरे समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं आना चाहिए। अमृतपाल ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, खालसा राज्य का सपना देखना पाप नहीं बल्कि गर्व की बात है। हम उस रास्ते पर वापस जाने का सपना भी नहीं देख सकते जिसके लिए लाखों सिखों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैंने कई बार मंच से बात की है और कहा है कि अगर मुझे पंथ और परिवार से चुनना होगा तो मैं हमेशा पंथ चुनूंगा। उसने लिखा है कि इस बिंदु पर इतिहास की वो घटना बहुत प्रासंगिक है जहां बंदा सिंह बहादुर के साथ सिंह शहीद हो रहे थे। तभी एक 14 साल के युवक की मां ने उसे बचाने के लिए कहा कि ये युवक सिख नहीं है, तो युवक ने आगे कहा कि अगर महिला कहती है कि मैं गुरु का सिख नहीं हूं तो मैं ये बात कहता हूं, ये मेरी माँ नहीं है। बेशक ये उदाहरण इस घटना के लिए बहुत कठोर है, लेकिन सिद्धांतिक दृष्टिकोण से ये समझ में आता है। उसने आगे लिखा है कि मैं अपने परिवार को डांटता हूँ कि सिख राज्य से समझौता करने के बारे में सोचना भी बुरी बात है, कहना तो दूर की बात है। सामने से संगत रूप में बोलते समय ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलबीर सिंह जीरा को शिकस्त दी थी। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीते। बता दें कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक हैं, साथ ही उन पर देशद्रोह की धाराओं के तहत डिब्रूगढ़ जेल में वो बंद थे जिसके बाद उन्होंने आम चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वो अब भी जेल में ही बंद हैं।